गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन संस्कार क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। प्रीवियसली आई टोल्ड यू दैट थ्री टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। सम आर डबल मेम्ब्रेनस, few are single membranous and some are membranous। previous class में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें three types of cell organelles present होते हैं। इनमें कुछ double membranous होते हैं, कुछ single membranous हैं और कुछ membranous हैं। Especially membranous cell organelles is ribosome। ribosome membranous cell organelles है और especially smallest cell organelles हैं। So now we discuss about Plastid is a double membranous cell organelle and found only in plant cell. So thus I can say it is absent in animal cell and prokaryotic cell. It means plastid jo cell organelle hai wo only plant cell mein present hota hai, animal cells mein aur especially prokaryotic cell mein kya hota hai, absent hota hai। बट जस्ट यू हियर वन नेम, ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो स्पेशली इन ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेन स्पेशल प्लास्टिड विच इज नोन एज क्रोमोस्फियर। सो फर्स्ट प्लास्टिड वॉज डिस्कवर्ड बाय हेकल एंड द टर्म प्लास्टिड इज ऑल्सो गिवन बाय हेकल। तो प्लास्टिड को डिस्कवर करने वाले हेकल थे और जो ये टर्म प्लास्टिड है वो भी किसने दी है, हेकल ने दिए। स्पेशली इन ब्लू ग्रीन एल्गी, व्हाट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और जस्ट आई कैन से एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिड व्हिच इज नोन एज क्रोमोस्फियर। सो इन ब्लू ग्रीन एल्गी क्रोमोस्फियर इज प्रेजेंट in instead of a plastid। now plastids are three types, so plastids are of three types, yani plastid three types kya hote hain। number one leucoplast, so what is leucoplast, so just you can say easily leucoplast is a type of plastid and what is the main function of leucoplast, leucoplast ke function kya hai। so especially leucoplast स्टोर द फूड, यानी फूड को क्या करता है, स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट व्यूज और डिफरेंट मेथड। लाइक आई कैन से सम ल्यूकोप्लास्ट स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, सम ल्यूकोप्लास्ट स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड सम ल्यूकोप्लास्ट स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, सो फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ल्यूकोप्लास्ट इज अ कलरलेस, इट मींस ये कोई भी कलर नहीं होता। पिगमेंट्स आर एब्सेंट, इट मींस कलरलेस, सो जस्ट आई कैन से पिगमेंट्स आर एब्सेंट एंड स्पेशली ग्रेना पार्ट इज एब्सेंट। सो व्हाट इज ग्रेना, ग्रेना क्या है, तो सिंपली आई टोल्ड यू स्पेशली थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट, देन वी डिस्कस अबाउट ग्रेना। So leucoplast is divided into three types, one is amyloplast, second is elaioplast and third is adenuloplast। Leucoplast which store the food in the form of starch, aise leucoplast jo food ko starch form mein kya karte hain, store karte hain, unke liye word use kiya hai amyloplast। So amyloplast is a type of leucoplast which store the food in the form of starch and is found in potato, rice and wheat। You know potato, rice or wheat में बहुत अधिक या maximum amount में क्या होता है बेटा, इस starch present होता है। Potato is a stem, rice is a just I can say fruit और wheat also is a type of fruit, but just properly not they are, I can say that rice and wheat are fruit, they are cereals, अनाज ही ये सारे। राइस में और वीट में जो अनाज है इनमें एमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सेकेंड टाइप ऑफ
Leukoplast is ileoplast and it is found in seed of oily plant. यानी ये उन प्लांट में होता है जिनके सीड्स में क्या होता है, ऑयल प्रेजेंट होता है. ऑयल किसमें प्रेजेंट होता है? लाइक कस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, सरसों में, मूंगफली में, इनमें सब में क्या होता है? ऑयल होता है. तो इनमें स्पेशली कौन प्रेजेंट होता है? ileoplast प्रेजेंट होता है. और इट इज स्टोर्ड द फॉर्म एंड इट इज स्टोर्ड द फूड इन द फॉर्म ऑफ लिपिड. सो ileoplast इज ए स्पेशल टाइप ऑफ leukoplast which is stored the food in the form of lipid and found in seed of oily plant. Now third, alveoloplast. Alveoloplast, what is alveoloplast? So just I can say it is a type of leukoplast and is stored the food in the form of protein. So especially on plants में होगा जिनमें क्या होता है, protein क्या होता है, present होता है. और protein किसमें होता है? Maximum just I can say protein is found in pulses, यानी जितने भी दालें हैं उन दालों में क्या होता है, प्रोटीन होता है. सो स्पेशली alveoloplast इज फाउंड इन पल्सेस एंड इट इज स्टोर्ड द फूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. ओके, नाउ सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड. फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज leukoplast, सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज chromoplast. सो chromoplast इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड. ये किसका टाइप है? प्लास्टिड का टाइप है. Leukoplast is pigmentless or colorless, but chromoplast is a pigmented plastid. It means different type of pigment क्या होते हैं, present होते हैं. और what is the main function of pigment? Pigment का function क्या है बेटा? तो pigment provide the different color of plant. यानी plant को जितने भी अलग अलग तरह के color हैं, like आपने potato देखा हो, tomato देखा हो, brinjal देखा हो, उनके अलग अलग color होते हैं. चिली का color red भी होता है, green भी होता है, yellow भी होता है. ये डिफरेंट टाइप के जो कलर प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है. बट इट नेवर प्रोवाइड द ग्रीन कलर. ये कभी भी ग्रीन कलर प्रोवाइड नहीं करता है बिकॉज ग्रीन कलर इज प्रोवाइड बाय थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड व्हिच इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट. सो सेकेंड टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज प्रोवाइड द डिफरेंट कलर ऑफ प्लांट पार्ट. हमारे पॉसिबल स्पेशली रूट, स्टेम और लीव्स. जस्ट इट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ कलर. लाइक इफ इट प्रोवाइड रेड ऑरेंज कलर, सो इट इज नोन एज कैरोटीन. सेकेंड टाइप इट प्रोवाइड येलो कलर, सो इट इज नोन एज ज़ैंथोफिल. सो दिस आई कैन से क्रोमोप्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फॉर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट और फाउंड इन प्लांट. वन इज कैरोटीन, द सेकंड इज ज़ैंथोफिल. कैरोटीन प्रोवाइड है रेड ऑरेंज कलर. जस्ट आई कैन से यू नो कैरेट, नाम सुना है गाजर. गाजर कलर कैसा होता है बेटा? रेड होता है. सो स्पेशली इन कैरोट कैरोटीन इज ए प्रेजेंट. बट स्पेशली येलो कलर इज प्रोवाइड बाय ज़ैंथोफिल्स. इट मीन स्पेशली लेमन, नॉट अ ग्रीन लेमन, इन येलो लेमन जो पीले कलर का लेमन होता है उसमें स्पेशली कौन प्रेजेंट होता है? ज़ैंथोफिल. और डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर व्हिच कंटेन येलो कलर दे हैज ज़ैंथोफिल. एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट? सो स्पेशली क्रोमोप्लास्ट हेल्प्स इन पोलिनेशन. व्हाट इज पोलिनेशन? यू नो पोलिनेशन, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो वन प्लांट टू अनदर प्लांट क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं. तो व्हाट इज पोलिनेशन? तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, वन प्लांट टू अनदर फ्लावर. क्यों ये हेल्प करता है? बिकॉज इनके कारण क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स बिकम अट्रैक्टिव. फ्लावर कैसे आते हैं? अट्रैक्टिव हो जाते हैं. और अट्रैक्टिव होने से क्या होता है, इंसेक्ट की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं. ड्यू टू डिफरेंट कलर insect attack the toward the flower and they help into pollination. So it is very important plastid. Okay, third plastid is chloroplast. And what is the main function of chloroplast? It provide the green color of plant or just I can say leaves. यानी जो leaves होती हैं उन leaves में सिंपली जो ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है वो किसके कारण होता है? स्पेशली होता है किसके कारण?
क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है. सो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आई डिस्कस यू इन नेक्स्ट क्लास. थैंक्स, हैव अ गुड डे.